कि हम भी गढ़वा में खोलें कुछ, हमको भी कोई रंगदारी मांगे तो हम मीडिया में जाएं और कहें कि रंगदारी नहीं देंगे, हम जो देंगे वो सरकार को देंगे। झारखंड में इतनी असीम संभावना है, अभी तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन झारखंड तो पूरा एक वर्जिन मार्केट है। लेकिन हम बिजनेसमैन हैं भैया, एक घंटे का कंसल्टेंसी भी पेट देते हैं। कस्टमर ये चाहता है कि हमको सुविधा मिले, भले पैसा थोड़ा ज्यादा ले लो, दो साल में ये एरिया शहर का एक पार्ट हो जाए। अनहोनी की जहां तक बात है, वो कभी भी किसी के साथ भी घट सकती है। स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल लाइव लगातार में। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम शैलन जायसवाल हुआ। मेरे फादर बेसिकली HEC में काम करते थे, यहीं पर 26 मेरा क्वार्टर था, और उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया। हमारी स्कूलिंग योगदा सत्संग विद्यालय से हुई है। योगदा सत्संग विद्यालय से होने के बाद हमने, मदर की डेथ हो गई, उसके बाद हम लोगों ने, मैंने एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी एडुकेशन ली अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग गुरुओं से, और बेसिकली मेरा मेन काम एस्ट्रोलॉजी का है। मैं एक भारत के टॉप एस्ट्रोलॉजरों में से आता हूँ, और मोस्टली हमारी 95% सर्विस विदेश में बसे हुए लोगों को दी जाती है, क्योंकि हम थोड़े एक्सपेंसिव एस्ट्रोलॉजर हैं। और उसके बाद हम दुबई चले गए। दुबई जाने के बाद फिर किसी ने हमें स्पॉन्सर किया, तो हम लंदन और ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल में अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई को करने के लिए चले गए। हम फिल्म मेकिंग का भी कोर्स किए हुए हैं विस्लिंगवुड इंटरनेशनल सुभाष घई के इंस्टीट्यूट से। एट द सेम टाइम हम हॉर्टिकल्चर के भी स्टूडेंट हैं, कैसे कम ज़मीन में इजरायली टेक्निक से ज़्यादा फसलों को उगाया जाता है। और इस तरह की एक सोच के साथ हम अपना एस्ट्रोलॉजी का व्यवसाय कर रहे थे कई सालों से, और लोगों को सर्विस दे रहे थे, कंसल्टेंसी दे रहे थे, जो और तरह के कार्य होते हैं वो कर रहे थे। हम साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को ये बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ गाइडिंग पाथ, नथिंग एल्स। प्रारंभ में बहुत कुछ लिखा होता है जीवन में जो आपको भोगना ही पड़ता है। और उसके बाद एक मन में था विचार कि रांची में एक अच्छे एंटरटेनमेंट सेक्टर की कमी है, जहाँ पर लोग बहुत ही कम पैसों में एक पूरा डे एंजॉय कर सके, तो वाइल्ड वादी की स्थापना करी गई। और वाइल्ड वादी माता रानी की दया से आप लोग सबको पता है कि हिट हो गया, दूर दूर से लोग आने लगे। तो बस यही कहानी है, छोटी सी, पत्नी है, दो बच्चे हैं। सर, जैसे आपने इस संस्थान की, एक कह जाए कि एक बिजनेस की शुरुआत की, तो इसमें कुछ संघर्ष आए? नहीं, कोई संघर्ष नहीं आया, बहुत आराम से सब कुछ आराम से हुआ। लाइफ में संघर्ष बेसिकली उन समय में हुआ जब पढ़ाई करते थे, पैसों की कमी रहती थी, बड़ा स्ट्रगल करते थे। ट्यूशन भी पढ़ाया है 100 रुपये में, पापा के पास उतने पैसे नहीं होते थे। मैं जिस योगदा सत्संग विद्यालय में पढ़ता था, उस समय हमारी फीस 30 रुपये हुआ करती थी। भौमिक सर हमारे टीचर हुआ करते थे, अब उनका देहांत हो गया, बड़ी मारा उन्होंने हम लोगों को, लेकिन उन्होंने इंग्लिश इतनी अच्छी पढ़ाई। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि योगदा सत्संग विद्यालय हिंदी मीडियम होने के बावजूद इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाई कि मुझे इंग्लैंड में भी एक्सेंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो थैंक्स, हैट ऑफ टू दिस काइंड ऑफ स्कूल, जो अपने बच्चों के अंदर चरित्र निर्माण का भी कार्य करते हैं और अपने बच्चों को इस स्तर से पढ़ाते हैं। अगर मैं योगदा सत्संग विद्यालय में नहीं पढ़ा होता तो आज मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। कहा जाता है कि आमतौर में जब बच्चे बाहर जाते हैं या लोग बाहर जाते हैं, अपनी धरती को छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वहाँ से वापस नहीं आते, वहाँ के कल्चर में अडॉप्ट कर जाते हैं। लेकिन आप वापस आए, वापस आके एक यहाँ एंटरप्रेन्योर की शुरुआत की, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? देखो मैम, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है, लोग इंग्लैंड जाने के बाद वापस नहीं आते क्योंकि वहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैम आप सिंपल समझो, लोगों ने मिथ फैला रखा है, अफवाह फैला रखी है। इंग्लैंड की लाइफ या यूरोप की लाइफ इतनी आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको पालक का एक छोटा सा टिन का डब्बा मिलेगा 2400 रुपये का, जिसमें कि पानी होगा और पालक के कुछ पत्ते होंगे, और आपको यहाँ पालक कितने का मिलेगा, 10 रुपये का। तो मैम, जो आदमी हिंदुस्तान में पला बढ़ा है, जिसको लिट्टी चोखा चावल दाल सब्जी खाने की आदत हो, उसे पर डे वहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, सबसे पहले खाने से। दूसरा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमारे यहाँ हर प्रकार के मौसम है, बसंत भी है, गर्मी भी है, जारा भी है, बारिश भी है, वहाँ पर आपको 90% टाइम जारा ही मिलेगा। तीसरा, मतलब लोग आपके बालों को छुएंगे और बोलेंगे यू हैव अ ब्लैक हेयर, तो आपको फील होगा कि अरे हम थोड़ा सा एक अलग जगह पर हैं।
चौथा टेक्नोलॉजी वहाँ पर बहुत अच्छी है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, सिविक सेंस बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, बहुत सी चीज़ें सीखी जा सकती है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है, आपने यूरोप में बिजनेस किया है, आप पैसे कमा चुके हो, तो अल्टीमेटली आप कहाँ पर आके काम करना चाहोगे? अपनी मिट्टी पर ही काम करना चाहोगे ना, तो हम भी अपनी मिट्टी पर ही काम करना चाहेंगे। ये नॉलेज हम अपने देश के लोगों को ही देना चाहेंगे ना। अगर आज हम आए हैं तो 50 लोग नए झारखंड के उद्यमी हमसे सीखेंगे ना, और कहेंगे ना कि हम भी गढ़वा में खोलें कुछ, हमको भी कोई रंगदारी मांगे तो हम मीडिया में जाएं और कहें कि रंगदारी नहीं देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम भी इंटरव्यू देंगे लोगों को, कहेंगे ना। ये उत्प्रेरणा आएगी ना, ये विचार आएगा ना, हम जो देंगे वो सरकार को देंगे, किसी और थर्ड पर्सन को क्यों देंगे मैम? कहा जाता है कि बिजनेस की जो सीढ़ी होती है वो ब्लड में आती है, ठीक है। आपकी फैमिली रही HSE में, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, फिर आपने ये जो बिजनेस वाला सेक्टर कैसे चूज किया? इसलिए कि मैंने देखा है अपने फादर की प्रॉब्लम को। 250 रुपये सैलरी थी, उसमें 5 बच्चे थे, 30-30 रुपया फीस देने के बाद कुछ बचता नहीं था घर में, है ना। मेरे पापा साइकिल से चलते थे, तो लाइफ का एक मूल मंत्र सीखा मैंने कि सबसे पहले व्यक्ति को धन पे कंट्रोल होना चाहिए। धन कम हो तो दुख देता है, धन ज़्यादा हो तो उसका कोई यूज़ नहीं है, आप उससे कुछ ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं। मैम आपको मैं 50 लाख रुपये महीना दे दूँ, 3 महीने के बाद आप समझ नहीं पाओगे खर्च कहाँ करें। जब तक धन नहीं है तभी तक लगता है कि धन में बहुत आकर्षण है। आप मुझे देख लीजिए, मैं जिस प्रकार की परिस्थिति में वाइल्ड वादी को लेकर चला होऊंगा, या जो मैं एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा हूं, आप सिंपल समझिए, हम इस चप्पल में हैं, हाफ पैंट में रहते हैं, या जींस में रहते हैं, या टी शर्ट हाफ पैंट में पहने हुए, क्यों? क्योंकि ये सारे शौक आपके ख़त्म हो जाते हैं। आपको धन एक लिमिट के बाद सुख दे ही नहीं सकता है, फिर आपको सुख क्या देगा? सुख देगा दोस्तों का साथ, बाइक पे घूमना, क्रिकेट खेलना, वो सब चीज़ जो आपने संघर्षों के दिन में अपनी जवानी में नहीं कर पाए वो आप अपने बुढ़ापे में खोजोगे। मैं 45 साल का आदमी हूँ मैम, तो आई एम नॉट लाइक कोई यंग लड़का नहीं हूँ। तो जो मैं समझता हूँ लाइफ को, कि भाई धन एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इतनी ही ज़रूरी चीज़ है कि आपको रेस्टोरेंट में जाने के लिए, हवाई जहाज में सफ़र करने के लिए दिक्कत का सामना ना करना पड़े, एक लिमिट से ज़्यादा धन। और मैं सभी को बोलता हूँ, झारखंड में इतनी असीम संभावना है, अभी तो यहां पर कुछ हुआ ही नहीं है, आपको गुजरात में महाराष्ट्र में स्ट्रगल करना पड़ेगा मैम, लेकिन झारखंड तो पूरा एक वर्जिन मार्केट है, आप हजारों नई चीजें यहां पे कर सकते हैं। बस मेरा रिक्वेस्ट यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन शिप और फ्रेंचाइजी का काम मत करिए, उसमें आप हमेशा फंसे रहेंगे। अपना कोई नया कॉन्सेप्ट लाइए, अपनी चीजों को करिए, और फिर देखिए धन कैसे। आप कल्पना कर सकते थे कि वाइल्ड वादी को इतना रिस्पॉन्स मिलेगा? अगर आप आई होंगी या आपने यूट्यूब में वीडियो देखा होगा, लोग गेट तोड़ते थे, लोग कहते थे हमें घुसना है, लोगों ने यहाँ 1500 रुपये का टिकट ब्लैक में खरीदा है मैम घुसने के लिए। इसका मतलब झारखंड के कस्टमर एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में ही झारखंड में क्यों नहीं काम कर दिया जाए? 27 डिस्ट्रिक्ट है, 27 डिस्ट्रिक्ट में काम करिए, मत बनाइए इतना बड़ा, छोटा ही बनाइए, हर डिस्ट्रिक्ट में खोलिए। और अगर उसको खोलने में कोई मदद भी हमसे चाहिए तो हम पूरी मदद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बिजनेसमैन हैं भैया, 1 घंटे का कंसल्टेंसी भी पेट देते हैं। हाँ, इंटरटेनमेंट का सेक्टर, टूरिज्म का सेक्टर झारखंड में, जहाँ की जहाँ तक देखा जाए, मैंने देखा, मैं भी ट्रैवल एंड टूरिज्म की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे कोई भी असीम संभावनाएं दिखी नहीं। हाँ, तो आपने लंदन से पढ़ाई लिखाई की, देन आप दुबई भी गए, फिर बहुत सारे काम भी किए, ठीक है, तो उसके बाद ये टूरिज्म का सेक्टर और इंटरटेनमेंट का सेक्टर आपके दिमाग में कैसे आया कि इस सेक्टर में ही काम करना चाहिए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, झारखंड में अगर आप देखेंगे, आप रांची से जमशेदपुर जाइए, आपको हाईवे के इस तरफ और उस तरफ लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी मिलेगी, सही है। अगर आप सिर्फ एक मेट्रो रेल की योजना बना दीजिए, जिसको कि रांची से आप जमशेदपुर कनेक्ट कर दीजिए, इतनी बड़ी सिटी फिर इंडिया में नहीं होगी। और क्या होगा, वहाँ पर लोग जमीन खरीदने लगेंगे, कंस्ट्रक्शन होने लगेगा और पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मैम पिछले 5 सालों में कम से कम 5 नए कॉरिडोर की स्थापना किया होगा, आप डेटा उठा के देख लीजिए, लगभग 10 करोड़ टूरिस्ट आ चुके हैं। एक टूरिस्ट का मतलब है मैम 10,000 रुपये खर्च करना, आएगा तो होटल लेगा, yes. खाना खाएगा, कुछ बच्चों के लिए खरीदेगा, मंदिर जाएगा, फूल पौधा लेगा, कुछ भी करेगा, वो किसको दे रहा है? यूपी के लोगों को ही तो अमीर बना रहा है। टूरिज्म का मतलब है, जो मोदी जी की भाषा में भी नहीं बल्कि पूरे अच्छे अच्छे हर पॉलिटिकल लीडर की भाषा में, टूरिज्म से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप रोजगार का क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं यही वाटर पार्क खोलने जाता महाराष्ट्र गुजरात में, तो मेरा प्रोजेक्ट 4 गुना कॉस्ट का पड़ जाता। वहाँ लैंड महंगी होती, यहाँ लैंड सस्ती है, प्रैक्टिकल बात है। यहाँ पर संसाधन सस्ते हैं, यहाँ पर लोगों के अंदर अभी ज़्यादा भूख है, दिल्ली में इतनी भूख नहीं है, वो लोग 10 साल से देख चुके हैं,
10 साल बाद हो सकता है वाटर पार्क यहाँ भी ना चले। एक मैं बात कह रहा हूँ, चलेगा तो थोड़ा बहुत जरूर चलेगा, लेकिन आज जो एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट है तब कुछ और सोचेंगे। देखिए मैम, आपको कस्टमर की परचेजिंग कैपेसिटी को पकड़ना ही पड़ेगा। 20 रुपये में DC का टिकट मिलता था 10 साल पहले, ये लोग जो बैठे हुए हैं इनसे पूछ लीजिए, लोग जाते थे। आज 300 रुपये का टिकट है, लोग जाते हैं ना, जाते हैं ना फिल्म देखने के लिए। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि नहीं भैया वही 20 रुपये में जाएंगे। मतलब कस्टमर ये चाहता है कि हमको सुविधा मिले, भले पैसा थोड़ा ज़्यादा ले लो। हम कह रहे हैं हम सुविधा भी देंगे, और 2100 रुपये में जो वाटर पार्क आप बम्बई में लेते हैं वो 400 रुपये में ले लीजिए। तो आपको कस्टमर के भी हिसाब से सोचना होगा। और झारखंड में टूरिज्म की इसलिए संभावना है मैम, ये प्राकृतिक रूप से सुंदर है, आपको ज़्यादा सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पेड़ है, अपने आप पहाड़ है, अपने आप ग्रीनरी है, बस एक विज़न चाहिए। अब मैं इन फ्यूचर गवर्नमेंट को संपर्क करूंगा, मैं कहूंगा सर हमें नदी जो है या आपका जो डैम है सर, जिससे आप कुछ अर्निंग नहीं कर रहे हैं सर, आप हमको लीज पे दे दीजिए, हम वहाँ पर नई नई तरह की जो दुबई में एक्टिविटी होती है ला देंगे, लोग आएंगे 50 रुपये देंगे 100 रुपये देंगे तो वहाँ के लोगों का विकास होगा। तो ये आपके विज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम अभी रजरप्पा के पास खोलने जा रहे हैं, बोकारो में खोलने जा रहे हैं, देवघर में खोलने जा रहे हैं। क्यों खोलने जा रहे हैं? क्योंकि देवघर में ऑलरेडी 50,000 टूरिस्ट आते हैं, 50,000 टूरिस्ट में 1,000 आदमी आएगा मेरे पास। वाटर पार्क इज सच अ बिजनेस कि अगर आपके यहाँ 1,000 भी आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सर मुझे एक चीज़ समझाइएगा, आजकल देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चल रहा है, लोग पानी बचाओ कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पीने के पानी कम हो रहा है, जनसंख्या बहुत वृद्धि हो रही है, तो इस समय में वाटर पार्क खोलना इस चीज़ को कैसे मतलब इस चीज़ को कैसे सही साबित करता है? बहुत अच्छी बात है। देखिए वाटर पार्क एक्चुअली वाटर हार्वेस्टिंग है, लोगों को यहाँ पर वाटर पार्क के सिस्टम के बारे में नहीं मालूम है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, 90% लोग कस्टमर ये समझते हैं कि अच्छा इसमें इस स्विमिंग पूल में 1,00,000 लीटर पानी डाला है, इसको शाम को निकालता होगा, वेस्ट करता होगा पानी को, और फिर अगले दिन नया पानी भरता होगा। नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में भी नहीं होता, यूरोप में भी नहीं होता, कहीं नहीं होता। आप एक बार जो पानी फील कर देते हैं उसी पानी को बार बार आप प्योरीफाई करते हैं, उसको आप चमकाते हैं। लोग जो आते हैं वो अपने शरीर में 10 लीटर पानी वेस्ट करते हैं मात्र, तो मान लीजिए 2,000 लोग आए, 10 लीटर भी वेस्ट किया तो कितना हुआ, 20,000 लीटर। 20,000 लीटर तो आप एक बोरिंग चलाइएगा तो 2 घंटे में आपका वो टॉप अप हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, प्लीज़ समझिए, जब एक वाटर पार्क बनता है तो उसके आसपास बहुत सारी हरियाली की जगह होती है, तो ऑटोमेटिकली वो पानी आपका हार्वेस्टिंग में जाता है। आप हमारे यहाँ पर वाटर पार्क को घूमिएगा, हर जगह पे ड्रिप इरिगेशन की पाइप लगी हुई है, आप देखिएगा काले रंग की पाइप होती है जिसको हम लोग टपक सिंचाई बोलते हैं। यही स्विमिंग पूल का पानी जब अक्टूबर में निकाला जाएगा, क्योंकि फिर नया पानी आपको भरना होगा फरवरी में, यही पानी से पूरे पौधे की सिंचाई हो जाया करेगी। और झारखंड में तो माता रानी ने इस जगह पर इतनी पानी दी हुई है, पानी का क्या सिस्टम है आप समझिए, हम लोग ढलान पे हैं, बारिश का पानी आता है, आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। वो पानी क्या होता है, कुछ पानी जमीन में सोख लेता है, जमीन में सोखने के बाद वो नीचे जाता है, उसी पानी को आप फिर सक करते हो, कुछ पानी ऊपर में जाता है जिससे आप धान की सिंचाई करते हो, उसके बावजूद भी जो पानी बच जाता है वो छोटी नदी में चला जाता है, फिर छोटी नदी से इंटरकनेक्टेड होकर बड़ी नदी में चला जाता है, फिर बड़ी नदी से वो बंगाल की खाड़ी में या समुद्र में चला जाता है। तो अल्टीमेटली आप पानी बचा कहाँ रहे हो, दूसरा देश रहता तो इस पानी को रोक करके इस पानी से पता नहीं क्या क्या कर लेता। पानी को बचाइए, That is the process of water harvesting. सर अभी at present आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कितने परिवार को आपने इस वाटर पार्क के सहारे संभाला हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी को संभालता नहीं है मैम, हम एक बिजनेसमैन हैं। ये सब फालतू की बात है कि कोई किसी को संभालता है, हमें ज़रूरत है लोगों के काम करने वालों की, उन्हें ज़रूरत है एक रोज़गार की, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे जीवन में कोई इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। जितने भी लोग हैं आप सबसे जाके मिलिए, अब हाउसकीपिंग में लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, कुछ बर्तन धो रहे हैं, कुछ झाड़ू कर रहे हैं, कुछ सफाई कर रहे हैं, कुछ डस्टिंग कर रहे हैं, कुछ अम्यूजमेंट पार्क में लगे हुए हैं, कुछ एडवेंचर में लगे हुए हैं, कुछ बाउंसर हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं, मोटा मोटी आप देख लीजिए 150 से 200 लोग हैं। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखिएगा तो कुछ लोग बाहर पार्किंग कर रहे होंगे, कुछ लोग बाहर जामुन बेच रहे हैं, कुछ लोग आप देखिएगा रोड पे मोबाइल पाउचेज बेच रहे हैं, कुछ लोग आने वाले फ्यूचर में रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, कुछ लोग होटल खोलने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो ज़मीन ली हुई थी अब उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, लेबर की डिमांड बढ़ गई, बिल्डिंग मटेरियल की संख्या बढ़ गई। आने वाले समय में और विकास होगा, इतना विकास होगा कि ये गाँव रहेगा ही नहीं, 2 साल में ये एरिया शहर का एक पार्ट हो जाएगा। शासन की ओर से आपको कितनी सारे सहयोग मिले, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो प्रशासन ने आपको कितना सपोर्ट किया? देखिए प्रशासन हमेशा सहयोगात्मक रवैया में रहता है, और
वो कहते हैं ना, कस्टमर और बाराती को कभी सेटिस्फाई नहीं किया सकता है, तो हम भी कस्टमर हैं सरकार के लिए, तो हम भी कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। हम क्या चाहेंगे, हम चाहते हैं कि जो 10 माइल चौक है और हजाम तक का एरिया है, यहाँ पर बिजली का बल्ब पोल में लग जाए, जिससे कि यहाँ पर जो यात्री शाम में जाते हैं उनको अंधेरे का सामना ना करना पड़े। ये मेरी डिमांड है। बहुत लोगों ने उचक्का बना लिया है अपने अपने हिसाब से, रोड सिस्टम देखे कि कहाँ पर उचक्का होना चाहिए। आने वाले फ्यूचर में अगर यहाँ एक टीओपी खुल जाए, क्योंकि 5,000 लोग आ रहे हैं मैम, तो छोटी मोटी कोई घटना हो सकती है, तो अगर वहाँ पर रहे व्यवस्था तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी प्रशासन का पूर्ण सहयोग है मैम, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है प्रशासन, हमेशा सहयोगात्मक रवैया में रहते हैं। कोई प्रशासन ये नहीं चाहता है कि किसी को दिक्कत हो, क्यों चाहेगा। और वैसे भी एंटरप्रेन्योर का तो स्वागत हर एक स्टेट करता है मैम, सभी स्टेट बड़े बड़े ऐड निकाल के करते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे यहाँ हैं। टूरिज़्म का सेक्टर है ना मैम, तभी तो बहुत सारे स्टेट सब्सिडी देते हैं, हमारे यहाँ आइए, हम आप जितना इन्वेस्टमेंट करिएगा 30% सब्सिडी देंगे, बिजली बिल में इतनी बचत देंगे, ये देंगे वो देंगे। यहाँ का पर्यटन विभाग भी देता है। ये और बात है कि आप कितनी चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं और उससे कितना फैसिलिटी उठाते हैं। अब हम चूंकि पढ़े लिखे बिजनेस हैं तो हम पूरी फैसिलिटी उठाते हैं, हम उठाएंगे भी, भाई सरकार दे रही है तो हम क्यों नहीं लेंगे, हम लेंगे भी। तो बारिश के लिए हम क्या ला रहे हैं, बारिश के लिए हम ला रहे हैं जो आप इंडोनेशिया वियतनाम में लकड़ी का झूला देखती होंगी, जो स्विमिंग पूल पर रहता है, वो 6 फीट इधर जाएगा 6 फीट उधर जाएगा, लोग उस पर चढ़ेंगे, जरा सभी इधर उधर लड़खड़ाए तो स्विमिंग पूल में गिर जाएंगे, वो लाने जा रहे हैं। स्कूपी फुटबॉल लाने जा रहे हैं, 10 दिनों में आ जाएगा, उसमें 2 गोल पोस्ट रहेंगे, आप इधर से बॉल को मारने की कोशिश करिएगा, आप मारने की कोशिश कीजिएगा, फिसल के उस पर गिर जाइएगा, चोट आपको नहीं लगेगी, 6 इंच का 6 फीट का गद्दा रहेगा नीचे में। हम ट्रम्पलिन पार्क ला रहे हैं जो आप बैंगलोर और बॉम्बे में देखते हैं, हम इसके अलावा जो आप शिमला वगैरह में फुटबॉल देखते हैं जो पानी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, चेन लगी होती है, बच्चा अपने आप चलाता है उसको, वो हम लाने जा रहे हैं। हम अभी बारिश में इतनी बड़ी जो हमारे पास स्विमिंग पूल है उसके लिए बोट्स लाने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत तरह की क्रिकेट सिमुलेशन लाने जा रहे हैं, दूसरी जगहों पे जो खोलने जा रहे हैं वहाँ डॉल्फिन लाने जा रहे हैं, स्नेक पार्क बनाने जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के हम वाइल्ड वादी की जो चेन क्रिएट करेंगे वो ऐसी क्रिएट करेंगे कि लोग ये कहेंगे कि अच्छा रांची वाला वाइल्ड वादी देख लिए, देवघर वाले वाइल्ड वादी में कुछ अलग है। हम रिपीट नहीं करने जा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं दुबई में और यूरोप में, उन्होंने वो क्या करते हैं, वो पैसा कमाते हैं और अपने लाइफ को एंटरटेन करते हैं, बाकी उनका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि संचय करना है। और झारखंड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ के लोग बहुत इंटरटेनिंग हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है झारखंड के लोगों के लिए। मैं यहाँ पर देखता हूँ जो व्यक्ति 20,000 रुपये महीना कमाता है वो भी चाहता है कि 2,000 रुपये का हम इंटरटेनमेंट कर लें। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा, कावेरी अपने यहाँ है ना, शायद ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहाँ लोग रात को 9 बजे भी लाइन लगाते हैं, हाँ या ना, ये गर्व की बात है। आप बॉम्बे के भी किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए तो आप जाइएगा और आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन अपने रांची में कावेरी में नहीं मिलता है ना, कुछ तो क्वालिटी उस आदमी ने मेंटेन किया होगा, हाँ या ना, हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ भी एक से एक एंटरप्रेन्योर है, कावेरी रेस्टोरेंट का इतना नाम है मैम कि बिहार में भी लोग पार्टी करवाते हैं तो बोलते हैं कावेरी का कैटर बुलाइए। सर हाल ही के दिनों में देखा गया, बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे आपके लिए, ठीक है, कि आपके जो स्विमिंग पूल के पानी है वो गंदे है, ठीक है, लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इसके बारे में आपके क्या कहना है। देखिए मैम, मैं तो सिंपल सी बात कह सकता हूँ, वाटर पार्क एक सार्वजनिक प्लेस है, आप एक महिला हैं, मेरे बच्चे भी नहाते हैं, आप यहाँ आए हैं, खुद से जाइए पानी देखिए, यहाँ CCTV लगा हुआ है, उसमें भी दिख रहा है कि पानी ब्लूइश है। प्लीज़ मैम आप समझिए, यही मीडिया था जो 10 साल पहले कह रहा था कि रामदेव बाबा गाय का चूर्ण मिलाते हैं, हाँ या ना, मैं ओपन बोल रहा हूँ मीडिया के ऊपर, बोले थे ना आप लोग, बोले थे, ये सच है, कहाँ गई वो बातें। आज रामदेव बाबा 10,000 करोड़ से ऊपर के आदमी हैं, कुछ नहीं होता है सब बोलने से, जो व्यक्ति काम करेगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ लांछन लगाया जाएगा। राम जी को नहीं छोड़ा लोगों ने, हम कौन खेत की मूली हैं, क्यों नहीं बोलिएगा, हक है, ये देश स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, सभी को बोलने का हक है, बोलना चाहिए। और ये जितना बोल रहे हैं उसको हम हथियार बना के अपने प्रचार में ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कोई बच्चा भी नहीं होगा झारखंड में जो वाइल्ड वादी को नहीं जानता होगा। सर हाल ही के दिनों में देखा गया आप पे कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया, ठीक है, उस घटनाक्रम के बाद आप मीडिया में काफी छाए रहे, कुछ लोगों ने कहा कि आपका ये राजनीति में आने की साजिश है, तो ऐसा कुछ क्या है। हाँ हाँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप का भी स्टूडेंट हूँ, पहली बात तो ये भी बता दूँ, बॉम्बे में हम लोगों को 1 साल रख करके पढ़ाया गया है, ठीक है, पहली बात।
दूसरी बात, जहाँ तक बात रही राजनीति में आने की, प्लीज़ समझिए राजनीति में 10 लाख लोग काम करते हैं, अपने यहाँ मात्र 87 सीट है और उसमें भी 27 सीट ही मात्र जनरल की सीट है। राजनीति में आना इतना आसान नहीं है, ठीक है। राजनीति के लिए व्यक्ति को धुरंधर बनना पड़ता है। मेरे में दम होगा मैं अपने आप आ जाऊँगा, किसी की कृपा का मोहताज नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बात रही कि कुछ असामाजिक तत्वों ने, ऐसा नहीं है, ये सारे ग्रामीण लोग यहाँ पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई भी इंडस्ट्री खुलती है, झारखंड में नहीं हर जगह, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए। उन्होंने हमसे भी कहा, हमने कहा नहीं, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चढ़ के कुछ काम कर दिया, तो हमने कहा कि साहब इस बात की खबर लोगों को तक पहुंचनी चाहिए कि ऐसा ये करते हैं। जब वो हमने किया तो लोगों ने कहा कि साहब बिल्कुल सही कर रहे हो। मेरे पास गढ़वा से एक बिजनेसमैन का कॉल आया, और राशन की दुकान है, उससे कुछ लोग पैसे मांग रहे थे, उसने कहा कि बन जाए क्या शैलेंद्र जायसवाल, मीडिया को बुलाएं क्या, बताएं क्या। तो ये अच्छी भावना है, हमने कुछ गलत थोड़ी किया है। हमने कहा कि साहब ये बात है, इस बात को देख लीजिए, और उसके सबूत पेश किए, CCTV फुटेज है। 4:10 में हम बाहर निकले, 4:15 में ऐसा हुआ। ये बात अब खत्म हो चुकी है, इस बात से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। रही बात फिर मेरी बात समझिए, मैं एकदम ओपन बोल रहा हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। हर व्यक्ति को जो सामर्थ्यवान हो और जिसके पास विचार हो, उसको राजनीति में आना ही चाहिए। अब राजनीति में आने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति विधायक ही बन जाए, कोई व्यक्ति सांसद ही बन जाए, संगठन में भी रह के आप काम कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए राजनीति ही ज़रूरी नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म है। आप अपना NGO भी खोल सकते हैं, आप घर में रहकर के भी अच्छा कर सकते हैं, 100 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या संस्था आपको आके ऑफर देता है कि साहब तुम आओ, तुम में विज़न है, तुम बोल सकते हो, तुम लड़ सकते हो, तो हम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। डेली की संख्या में देख रहे हैं कि हजारों लोग आ रहे हैं, संडे और सैटरडे का भीड़ इतना ज्यादा होता है कि 5,000 तक संख्या पहुंच जाती है। ऐसे में लोगों का सुरक्षा का सवाल उठता है, ठीक है, अगर कुछ अनहोनी घट जाती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? देखिए मैम, बहुत सिंपल सी बात है, रेलवे में झूला सब बहुत ऊपर वगैरह है, ट्रैक आपका काफी ऊपर है। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए मैम, अनहोनी की जहाँ तक बात है, वो कभी भी किसी के साथ भी घट सकती है। पहली बात तो ये, वाइल्ड वादी नेवर गारंटी कि अनहोनी नहीं होगी मैम, ठीक है। किसी दिन माता रानी की बुरी दृष्टि हो गई, अनहोनी हो जाएगी 2 मिनट में, ठीक है। पहली बात को ये समझ लीजिए, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था ही कर सकते हैं ना, हाँ या ना? हाँ। उसके लिए जो मेजर्स होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो बाउंसर होते हैं, जो लाइफ गार्ड होते हैं, वो व्यवस्था यहाँ पर है। सभी लोगों को ये कहा जाता है कि साहब आप सुरक्षित ढंग से राइड का इस्तेमाल करें। अब 5% लड़के होते हैं, अभी भी आप जाके देखिएगा, वो ग्रेनाइट के ऊपर से ऐसे करके उल्टा जंपिंग करता है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है मैम, नहीं करो। अब आप 10,000 लोग या 5,000 लोग या 4,000 लोगों को, एक एक आदमी को जाकर के नहीं देख सकते हैं मैम, ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को भी जागरूक होना होगा। अब मुझे आप बताइए, मैं कल परसों एक न्यूज़ पढ़ रहा था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति ट्रेन से गिर के मर गया, क्या कर सकते हैं आप? अब उसके लिए आप रेलवे बंद ना कर दीजिएगा, प्रैक्टिकल बात है। आप अभी यहां से जा रहे हैं, आपके साथ अनहोनी हो सकता है ना। अनहोनी का मतलब ही है कि जो आपके दिमाग में नहीं हो। ट्रैफिक पुलिस ये कहता है कि आप हेलमेट लगा के चलिए, अब आप नहीं लगा के चलते हैं, इसमें ट्रैफिक पुलिस क्या कर सकता है? हम तो यही कहेंगे कि साहब ये सारी राइडें सुरक्षित हैं, 5 लाख लोग आके जा चुके हैं। अब अगर किसी एक व्यक्ति के साथ घटना घटती है तो आपको ये समझना होगा कि साहब वो व्यक्ति अपनी सुरक्षा से खुद खेल रहा है। क्या जरूरत है इतनी हड़बड़ी की? पानी आप ही के लिए है, वाटर पार्क आप ही के लिए बना हुआ है, तो दौड़ भाग के जाने के पहुंचने की क्या जल्दी है? गिरिएगा तो ठेवना पे चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? लोग ऐसा करते हैं एक्साइटमेंट में, ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्क तो काफी दूर है सर, आने में गाड़ी भी लगता है, ठीक है, गाड़ी के बगैर आप यहाँ आ नहीं सकते, तो उसको पार्किंग की आपके वाटर पार्क में व्यवस्था नहीं देखी गई अच्छी तरह से, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे वाटर पार्क में 7 एकड़ का पार्किंग है, आप जाइए तो सही पीछे, और फ्री पार्किंग है। हाँ, आप हमारे गेट से जो आगे बढ़ते हैं उसके बाद आगे जाइए, 7 एकड़ की फ्री पार्किंग है, आप देखिए तो सही जा करके। पहली बात तो ये है, ये फ्री पार्किंग है हमारे यहाँ, 7 एकड़ की पार्किंग है मैम, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर अब 10 माइल चौक से ऑटो चलने लगे हैं, जो 10 रुपये या 20 रुपये लेके यहाँ पहुँचा देते हैं, और आप देखेंगे बहुत सारे 10 माइल चौक पर ऑटो खड़े रहते हैं। इसके अलावा लोग रिजर्व करके ऑटो से आते हैं, बाकी कुछ लोग बाइक से आते हैं, कुछ लोग कार से आते हैं। जब आपने ये पार्क खोला था तो आपको लगा था कि लोगों के, झारखंड के लोगों का इतना प्यार आपको? हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर था, मैं जानता था कि मेरे कॉन्सेप्ट में दम है, और मैं जानता था कि झारखंड की जनता को क्या चाहिए, क्योंकि ये एक स्टार्टअप है। सर, भविष्य में आपकी और क्या योजनाएं? बहुत सारी योजनाएं हैं,
अब सारी योजनाएं एक ही दिन में बता देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। और ये एक स्टार्टअप में है मैम, इसमें एंजल इन्वेस्टर होते हैं जो कि खूब सारा पैसा लगाते हैं, एंड देर आर मेनी सोर्सेज ऑफ द मनी, एंड एट द सेम टाइम वो कहते हैं एक्सपेंड करो बिजनेस को, नए नए चैनल पे जाओ। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के एटलीस्ट 2-3 शहरों में फरवरी तक शुरू हो जाए और बहुत तरह के नए एंटरटेनमेंट जोन लाएं। वाटर पार्क तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत तरह की नई चीज़ें लाने जा रहा हूँ। अभी हमने बात की वाइल्ड वादी पार्क के ओनर शैलेंद्र जायसवाल जी से, इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, इन्होंने बहुत सारी सूचनाएँ हमें दी। आइए तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव लगातार।